गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक। दिस इज़ योर साइंस क्लास। आई एम योर साइंस टीचर। सो टुडे वी स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक और न्यू चैप्टर, अदर यूजेस ऑफ प्लांट्स। सो अदर यूजेस ऑफ प्लांट्स में आप पढ़ेंगे कि प्लांट्स और किन किन चीज़ों में हमें यूज़ आते हैं, उपयोगी प्लांट्स या फिर यूजफुल प्लांट्स। जिसमें आप पढ़ना आएंगे फाइबर प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स, वुड, पेपर, रबर, गम एंड अदर यूजेस। सो सर्कल द थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। लुक एट द पिक्चर। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिख रही है, तो उसमें आपको ये देखना है कि जो चीज़ हमें प्लांट्स से मिलती है उस पर हमें सर्कल करना है। इसमें आपको पता है वुड सबसे फर्स्ट किसका है, चेयर का है। चेयर जो है वो वुड से बनती है, और वुड हमें किससे मिलती है, प्लांट्स से। तो हमें यहाँ पर चेयर पर सर्कल बनाना है। उसके बाद कैप्सिकम, ये भी हमें प्लांट से मिलता है। मिल्क, क्या मिल्क हमें प्लांट से मिलता है? नहीं, मिल्क इज़ अ एनिमल सोर्सेस। मिल्क हमें काऊ से मिलता है। ओके, देन फ्लावर भी हमें प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। देन एग, एग हमें प्लांट से नहीं मिलता है, दिस इज़ ऑल्सो एनिमल सोर्सेस। क्लोव, सॉरी ब्लैक पेपर, ये भी हमें प्लांट से मिलती है, ये भी ड्राई स्पाइसेस है। ओके, तो इसमें से आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन सी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती है। देन नेक्स्ट इज प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर अस। प्लांट्स ऑल्सो गिव अस मैनी अदर थिंग्स, लेट अस लर्न अबाउट देम हियर। प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ फूड फॉर अस। फूड के लिए जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स क्या है, वो है प्लांट्स है। प्लांट्स हमें फूड के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें देता है जो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे फाइबर प्लांट्स के बारे में। फाइबर प्लांट्स क्या होते हैं? फाइबर से ही पता चल रहा है, जिनसे रेशा निकलता है या जिनसे क्लोथ्स बनते हैं। फाइबर से क्लोथ्स बनते हैं, फाइबर टू फैब्रिक। सो ऐसे कौन से प्लांट्स हैं? सो फाइबर आर यूज्ड टू मेक क्लोथ। फाइबर क्या काम आता है? कपड़ा बनाने के काम आता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर आर यूज्ड टू मेक क्लोथ्स, नैपकिन, बैग एंड अदर थिंग्स। अलग अलग टाइप्स के फाइबर्स हैं जिनका उपयोग जो है कपड़े बनाने में, नैपकिन बनाने में, बैग्स बनाने में और दूसरी चीज़ें बनाने में यूज़ आती है। वी गेट कॉटन एंड जूट फाइबर फ्रॉम कॉटन एंड जूट प्लांट। कॉटन का प्लांट आपने देखा होगा, दिस इज़ कॉटन प्लांट। छोटे छोटे रुई के जो पौधे होते हैं कपास के, जिनसे रुई बनती है, रुई से धागा, धागे से फिर आपके कपड़े बनते हैं, है ना। तो कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलता है। दिस इज़ जूट प्लांट, जूट प्लांट से हमें जूट प्राप्त होता है। तो सच प्लांट्स दैट गिव अस फाइबर आर कॉल्ड फाइबर प्लांट्स। तो ये दोनों प्लांट्स क्या कहलाते हैं? फाइबर, जिनसे हमें रेशा मिलता है, जिनसे हमें फाइबर मिलता है, तो ऐसे प्लांट्स क्या कहलाते हैं? फाइबर प्लांट्स कहलाते हैं। दीज फाइबर्स आर यूज्ड टू मेक थ्रेड्स। इस फाइबर का यूज़ किस में किया जाता है? थ्रेड बनाने में, धागा बनाने में। एंड द थ्रेड इज़ देन यूज्ड टू मेक क्लोथ। फिर धागे से क्या बनते हैं? क्लोथ बनते हैं। ये देखिए, ये कॉटन प्लांट्स है। कॉटन प्लांट से हमें क्या मिला? कपास का पौधा है। कपास के पौधे से हमें रुई मिलती है, फिर इस रुई को मशीन में जाकर नीटिंग के द्वारा थ्रेड बनाते हैं। ओके, फिर थ्रेड से क्लोथ्स बुने जाते हैं, क्लोथ्स बनाए जाते हैं, कपड़ा बनाया जाता है अलग अलग टाइप्स के, इस तरह से नैपकिन, शर्ट, है ना, फ्रॉक। जूट प्लांट से जूट बनती है, जूट से फिर ये रॉप बनती है, कई तरह की चीज़ें बनती हैं जूट से। ये सारे जूट प्रोडक्ट हैं। जूट प्रोडक्ट भी काफ़ी यूज़फुल होते हैं, काफ़ी लॉन्ग टाइम होते हैं, उनकी चीज़ ज़्यादा अच्छी से चलती है। कॉटन के आप देखते हो समर में जो कपड़े पहने जाते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, स्वेट प्रूफ होते हैं, पसीना अच्छा सोखते हैं, शरीर में ठंडक रहते हैं, इसीलिए इस कॉटन के कपड़ों को गर्मी के अंदर पहना जाता है। इजी टू यूज़ होते हैं, इजी टू वॉश होते हैं। ओके, और दिखने में भी काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हैं। तो ये थे फाइबर प्लांट्स। फाइबर प्लांट्स से कौन कौन से फाइबर्स हैं जो हमें, ऐसे प्लांट्स हैं जो हमें फाइबर देते हैं, उन्हें हम फाइबर प्लांट्स कहते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा वीडियो। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और समझना है। थैंक यू।